न कसनातन वर्णितचरिते करुणा कुरुमारी करुणा परिते कनक सनातन वर्णितचरिते करुणा कुरुमारी करुणा परिते कनक सनातन वर्णितचरिते करुणा कुरुमारी करुणा कनक सनातन वर्णित जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हाँ बोल बोलो उनको तो क्या लाइव करे इधर आओ खड़े हो गए हरे कृष्ण ज्ञान की मेरा अंदर से ज्ञानंजन सला के आ चक्षु मन का मन का श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित दर्शकों वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरे रत्नाथ जी दंडवत प्रणाम। आज गुरु वैष्णव की कृपा से हम जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं उस स्थान का नाम है राधा कुंड। तो ऐसा तो बताया जाता है कि कंस ने जब अपने एक असुर अरिष्टासुर को भगवान कृष्ण को मार वध करने के लिए जब इस धाम में भेजा इस जगह भेजा तो भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। तो वो जिस वेश को धारण करके आया था वो एक बैल का वेश धारण करके आया हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। तो वध करने के पश्चात जब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए पहुँचे तो श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने उनसे खास प्रयास करते हुए कहा कि आप हमसे दूरी रहिए क्योंकि आपने गौहत्या की है और आपने गौहत्या की है तो आपके स्पर्श से हमें भी गौहत्या का पाप लग जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने किसी गौ की हत्या नहीं की, मैंने तो एक सिर्फ असुर का वध किया है, अरिष्टासुर नामक असुर का वध किया है। तो गोपियों ने कहा कि नहीं, जो असुर था वो एक बैल के रूप में आया था और जो गाय बैल ये सब क्या है एक ही प्रजाति के हैं तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बताइए आप लोग जब बता रहे हैं कि मैंने पाप किया तो उपाय भी आप ही बताइए। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि इसका उपाय यह है कि आप समस्त जो तीर्थ है सब तीर्थों में जाके स्नान करिए तब जाके आप इस पाप से मुक्त हो पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बस इतनी सी बात तो ये लीजिए। भगवान कृष्ण ने अपनी एड़ी से अपने जो चरण कमल की एड़ी से वहाँ पे एक कुंड उत्पन्न किया श्याम कुंड और सारे तीर्थों का आह्वान किया। तो सारे तीर्थ वहाँ आए उपस्थित हुए और सारे तीर्थों ने अपने अपने भगवान कृष्ण ने उनसे आदेश दिया कि अपने अपने तीर्थों का सारा जल इस कुंड में डाल दीजिए। तो देखिए उस तीर्थ श्याम कुंड की कितनी महिमा है कि भगवान के आह्वान से सारे तीर्थ वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अपना सारे तीर्थों का जल श्याम कुंड में डाल दिया और तत्पश्चात भगवान कृष्ण और उनके जो सारे गोप थे वहाँ सबने उसमें स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जब गोपियों ने देखा कि भगवान कृष्ण का तो अब एक कुंड हो चुका है, अब हमारा भी कुंड होना चाहिए, जब कृष्ण का एक कुंड है तो एक राधा कुंड भी होना चाहिए, तो सारी गोपियों ने और श्रीमती राधा रानी ने अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया। उस कुंड का निर्माण किया उसे बोला राधा कुंड, लेकिन उसमें जल कहाँ से लाए। तो गोप थे उन्होंने उनसे हास प्रयास करते हुए कहा कि आप एक काम करो हमारे श्याम कुंड से आप जल ले लो। तो गोपियों ने कहा नहीं, हम अपना जल स्वयं मानसी गंगा से लेके आएंगे। और सबने अपने मटके लिए और मानसी गंगा की तरफ जाने लगे। तो भगवान कृष्ण ने तीर्थों को कहा कि आज आप सब लोगों को सेवा का अवसर मिलने वाला है, आप जाइए और राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि हमें अपनी सेवा में लीजिए। तो सब तीर्थ गए श्रीमती राधा रानी के पास गए, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप श्रीमती राधा रानी आप बहुत करुणामय हैं और हमारा
हमारी सेवा स्वीकार करिए। तो श्रीमती राधा रानी के कहने से उन्होंने सारे तीर्थों ने अपना सारा जल राधा कुंड में डाल दिया और फिर उसके पश्चात उन्होंने गोपियों ने और राधा रानी ने उसमें स्नान किया। तो ये था राधा कुंड और श्याम कुंड। तो अब बताया जाता है कि आज से 5000 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए तो उन्होंने 500 साल पहले जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जी जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ जो ब्रजवासियों से पूछा कि यहाँ श्याम कुंड और राधा कुंड कहाँ है, तो यहाँ के लोग नहीं जानते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ आसपास में दो खेत हैं, एक है गौरी खेत और एक है काली खेत। तो देखा तो एक खेत में काली खेती थी और दूसरे में गौरी खेत। तो महाप्रभु समझ गए ये कोई साधारण खेत है, खेत नहीं, ये श्याम कुंड और राधा कुंड है। तो तब उन्होंने जो गोस्वामी थे यहाँ पे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा उस कुंड की स्थापना करवाई। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने यही भजन किया। तो बताया जाता है एक छोटी सी कथा आती है कि जो अकबर थे ना, एक बार वो अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ से जा रहे थे, कई हजारों लाखों हाथी घोड़े उनके साथ थे। कौन जा रहे थे? अकबर। तो जब अकबर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफी हजारों सैनिक थे उनके पास, हाथी घोड़े, तो उन सबको प्यास लगी हुई थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास आए, उन्होंने बताया पूछा कि यहाँ पे कोई जो हमारे जो पशु है इनको पीने का जल मिलेगा, तो उन्होंने इस कुंड की तरफ इंगित किया। तो जब अकबर थे उन्होंने देखा कि कुंड तो इतना छोटा सा, इसमें कैसे पी पाएंगे पानी, उन्होंने दोबारा पूछा। तो तभी रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया कि नहीं, आप इस कुंड का जल लीजिए। तो बताया जाता है कि सारी सेना, सारे हाथी, सारे घोड़ों ने उस कुंड से पानी पिया और इतने थे वो लाखों की संख्या में, सबने कुंड से इतना पानी पिया, लेकिन कुंड का जल जैसे का तैसा रहा, कुंड बिल्कुल जैसे का जैसा भरा रहा। तो एक कुंड की महिमा थी। तो बताया जाता है एक बार एक सेठ थे, रघुनाथ दास गोस्वामी चाहते थे कि कुंड का अच्छे से निर्माण हो। तो एक सेठ थे, वो सेठ यहाँ आए, उन्होंने उनको स्वप्न आया और सपने में उन्होंने देखा, उन्हें बताया गया कि आप जाओ वृंदावन गोवर्धन में जाओ और वहाँ जो श्याम कुंड और राधा कुंड की स्थापना करो। तो वो यहाँ आए और उन्होंने तो गोस्वामी जी से बताया कि उन्हें स्वप्न आया है और वो इस कुंड का निर्माण कराना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया ठीक है, आप यहाँ हमारे कुंड का निर्माण कीजिए। तो बताया जाता है कि जब गोस्वामी जी रात को सो रहे थे, उनके स्वप्न में आया, वो चाहते थे कि जो कुंड है ना चकोर बने, लेकिन स्वप्न आया कि शाम रात को तो 5 पांडव आए सपने में। उन्होंने बताया कि आप जैसे जैसे राधा कुंड उस तरफ में राधा कुंड, इधर कृष्ण कुंड है। राधा कुंड को तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो भजन करते थे यहाँ पर, महाप्रभु आकर प्रकाशित कर दिया। अभी धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग गया जो राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर है। अभी धीरे 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 लोग आने लग गए, लेकिन उस समय कीचड़ कीचड़ ही था, लोगों को स्नान ठीक से कर नहीं पाते थे। अभी यहाँ जो भजन करते थे, यही जो रघुनाथ दास गोस्वामी हम जहाँ बैठे हैं ये इनका भजन कुटी है। जब यहीं भजन करते थे, अभी इनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी अगर ये दोनों कुंड संस्कार हो जाता है ना बढ़िया से पत्थर से, फिर लोग अच्छे तरह से यहाँ पर स्नान कर सकते थे। फिर एक व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा वाला कोई साहूकार था, वो बद्रीनाथ बहुत पैसा लेकर के जा रहा था बद्रीनाथ की मंदिर बनाने के लिए। बद्रीनाथ ने उनको स्वप्न दिया, तुम ये पैसा ले जाओ, वहां पर एक रघुनाथ दास गोस्वामी एक संत है राधा कुंड में, उनको ये पैसा दो, ये पैसा से वो कुंड संस्कार करेंगे। लेकिन जब उनको पास में पैसा लेने के लिए आए ना, इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, देखो हे भगवान, मेरे मन में ये दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई, क्योंकि ये जो कुंड है ना, ये कुंड कोई साधारण वस्तु नहीं। ये कहते श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, चिंता मणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रवाल विद्रुव मय तरु लता ताहे कुंज सत सत। इसका मतलब भक्ति विनोद ठाकुर अपना दिव्य नेत्र में वर्णना कर रहे हैं ये राधा कुंड श्याम कुंड क्या है। इसलिए श्री कृष्ण भावनामृत एक ग्रंथ है जिसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो ग्रंथों को प्रकाशित किया उसमें अद्भुत रूप में वर्णना किया राधा कुंड श्याम कुंड किया। कहते इसमें जो चिंता मणिमय, यहाँ का जो तट है, जो स्टेज स्टेप है, वो चिंता मणि में मैंने बने हुए है। कहते यहाँ का जो वृक्ष है ना, हमको पता है वृक्ष में फल फूल होता है, लेकिन यहाँ का वृक्ष में मुक्ता होता है, हैं? हीरे जवाहरात, पेड़ में हीरे जवाहरात मुक्ता फल खिलता है वृक्ष में। और यहाँ पर ताहे कुंज सत सत, यहाँ पर कितने कुंज, ललिता कुंज, विशाखा कुंज, चंपकलता कुंज, रूप मंजरी, रति मंजरी, इनका सब अलग अलग कुंज है, पर सखाओं का भी अलग अलग कुंज है। और कुंज कैसे है,
कोई कुंज तो केवल फूल फूल से बनी हुई, कोई कुंज तो केवल केवल पत्ते पत्ते में बने हुए, किसी कुंज का रंग नील, किसका हल पीला, किसके सफेद, लेकिन कुंज को अंदर में जो प्रवेश करे ना, वो कुंज का रंग इनका रंग एक हो जाता है। अगर यहीं पर कोई खड़े हुए हो और देख नहीं सकते है कुंज में क्या कर रहे हैं राधा कृष्ण, अद्भुत अद्भुत यहाँ पर उन्होंने कुंज बनाए, अद्भुत यहाँ पर। अभी हमारे जड़ नेत्र ही, इसलिए हमें ये चीज नहीं दिख रहा है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा, हे भगवान मेरे मन में खास दुर्बुद्धि आई, यहाँ कहा चिंतामणि में है और मैं चाह रहा हूँ साधारण पत्थर से बने, और मैं भजन करके पता नहीं किस चीज में लग रहा हूँ छोड़ करके। बोले भैया हमें पैसा की जरूरत नहीं, पैसा ले जाओ बद्रीनाथ के लिए। फिर रात में स्वप्न आया, बोले हे रघुनाथ दास गोस्वामी लो मैंने मैंने आदेश दिया है, ये चीज को ग्रहण करो और बहुत अच्छे तरह से बनाओ, क्योंकि हजार हजार लोग आएंगे इसमें स्नान करेंगे हैं, अभी ये कीचड़ कीचड़ है, लोग कभी स्नान ठीक से नहीं कर पाते हैं। फिर उन्होंने ठाकुर जी का आदेश को मान करके फिर उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड को संस्कार किया। उस तरफ में राधा कुंड अब देखेगी नहीं, राधा कुंड बहुत अच्छे तरह से बना हुआ चौ बना होकर के। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण कुंड को बनाने के लिए गए, इतने में स्वप्न आया, बोले हे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, पहले कुंड टेढ़े मेढ़े था, वो सोच रहे थे चौकुना करके बनाए। बोले हम पंच पांडव हम जिधर बैठे हैं ना, बोले तुम देखना यहाँ पांच वृक्ष एक लाइन से खड़े हुए हैं, वो वृक्ष नहीं ये पंच पांडव नहीं, ये पंच वृक्ष रूप धारण किया है। हम वृक्ष रूप में राधा रानी की कृपा पाने के लिए, ब्रज गोपियों की कृपा पाने के लिए हम यहाँ पर वृक्ष रूप में प्रकट हुए हैं। अगर उसका चौगुना करके बनाने जाओगे तो हम वृक्ष काट जाएंगे, अभी हमारी सिद्धि नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने स्वप्न देख करके सचमुच से सबेरे आकर के देखा पांच पेड़ है, एक तमाल पेड़ है, एक कदम वृक्ष है, एक पीलू वृक्ष है, एक नीम वृक्ष है, ऐसे ही पांच वृक्ष खड़े हुए। देखो ये जो वृक्ष है ना, देखो पीछे ये जो वृक्ष थे इनका तो शरीर था, जब हम पहले आते थे वृक्ष जिंदा था, लेकिन अभी शरीर छूट गया, मतलब इनकी सिद्धि प्राप्ति हो गई है, हाँ सिद्धि प्राप्ति हो गई, ये चले गए। ये वृक्ष को भीमसेन बताया जाता है, ये वृक्ष भीम का स्वरूप ये वृक्ष है, ये अभी भी ये तन्ना यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसलिए बोले भैया हम जिस रूप में हमें इसी रूप में छोड़ दो। बोले भैया ठाकुर जी की जैसे इच्छा हो। इसलिए उन्होंने फिर चौपना करके उन्होंने इसको फिर नहीं बनाया। इसलिए ये राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड कौन है? बोले यथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेषु सेविका विष्णु रतंत वल्लवा। जैसे राधा रानी कृष्ण का अत्यंत अत्यंत प्रिय है, कभी ये कुंड भी कृष्ण का अत्यंत अत्यंत प्रिय भी ये कुंड नहीं, कभी राधा रानी स्वयं ये कुंड रूप में स्वयं राधा रानी प्रकट हुई, और जो कुंड है ये कृष्ण कुंड नहीं, ये कृष्ण स्वयं। इसलिए राधा रानी जी से सिद्धि साधी है ना, वो कुंड भी देखना चौकोना है, और कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े, ये कुंड भी देखना वो तीन जगह से एकदम टेढ़े, क्योंकि देखा ठाकुर को टेढ़े है, ये कुंड भी कृष्ण अभी नहीं, ये भी टेढ़ा होनी चाहिए। इसलिए तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुलो तेरी टेढ़ी, जमुना तेरे टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। इसलिए भगवान कृष्ण के सब टेढ़े, सबके सब कृष्ण के टेढ़े हैं। इसलिए यहीं पर श्री कहते, अगर कोई राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करता है, किस चीज में स्नान करता है? राधा कृष्ण प्रेम में स्नान करता है, प्रेम में, और उसको राधा रानी की प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर ये राधा कुंड में खड़े होकर के कोई घुटन तक, कोई कमर तक, कोई छाती तक पानी में खड़े होकर के बोले मुनिंद्र बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भो विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगति कदा करी सखियमं कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिति प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभया स्फुरतरे प्रभूत संपदालये कदा करी सशीयमं कृपा कटाक्ष भाजनम। जो
ये जो राधा कृपा घटक स्तोत्र अगर 108 बार कोई राधा कुंड में खड़े होकर के अगर 108 बार कोई स्तोत्र पढ़े ना, कहते राधा रानी स्वयं ये राधा कुंड से स्वयं प्रकट होकर के उनको दर्शन प्रदान करती। इतने महिमा ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इसलिए ये कार्तिक महीना में ये ऊर्जेश्वरी ऊर्जा व्रत है, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी, इसलिए इसी महीना में ये स्तोत्र रोज घर में उसको पाठ इसको रोज इसको करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं इस जो स्थान है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं है, अगर कभी राधा रानी मान कर लेती है, जब मान कर लेती है ना, अभी कृष्ण राधा रानी को मनाएंगे कैसे, राधा रानी मानती नहीं, तब उन्होंने राधा कुंड को राधा रानी कृष्ण, राधा कुंड को राधा रानी मान करके कृष्ण तीन संध्या स्नान करते हैं और राधा कुंड में बैठ करके राधा रानी के मंत्र को जप करते हैं, राधा रानी मेरे ऊपर में संतुष्ट हो जाए, राधा जी की हमारे ऊपर में कृपा हो जाए है, क्यों राधा कुंड साक्षात श्री राधा रानी। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है कहते रोज राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते थे और राधा कुंड को राधा रानी मान करके उनको कृष्ण प्रेम के लिए राधा जी की प्रेम करने के लिए उन्होंने प्रार्थना करते थे। और यहीं पर ही कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो मंदिर में हम बैठे हैं ना, रघुनाथ दास गोस्वामी रोज राधा कुंड श्याम कुंड को बीच में बैठते थे, बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये बीच में बैठ करके ये हरि नाम कीर्तन करते थे हैं, भजन करते थे। और एक दिन श्री सनातन गोस्वामी ने देखा राधा रानी स्वयं है, राधा रानी स्वयं आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर में कपड़े से छाया करके खड़ी हुई थी और पास में दो शेर आकर के पानी पी कर गए। जब उनकी समाधि टूटी तब श्री सनातन गोस्वामी बोले रघुनाथ मैंने अपना आंखों से देखा है तेरे सर के ऊपर में राधा रानी स्वयं छाया करके खड़ी हुई है और दो शेर तुम्हारे पास में पानी पीते हुए तुम राधा राधा रानी को इतने कष्ट क्यों देते हो। बोले मेरे को पता ही नहीं, बोले मैंने देखा है, इसलिए धूप में मत बैठा करो, राधा रानी को कष्ट होता है, इसलिए उनके लिए फिर उन्होंने एक भजन कुटी बना दिया। बोले यहीं पर बैठ करके तुम भजन साधन करो, अभी जहाँ पर बैठे यहीं पर बैठ करके भजन करते थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। कहते ये पृथ्वी में जितने तीर्थ है, कल गए थे ना बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे ना, कहते ये पृथ्वी में जितने तीर्थ है सर्वश्रेष्ठ तीर्थ वृंदावन धाम है। बोले वृंदावन धाम में जितने कृष्ण का लीला स्थली है, रास मंडल उद्धव कियारी सेवा कुंज निधुवन जितने यहाँ पर ब्रज में भी जितने लीला स्थलियां हैं वो सारे महिमा को एकत्रित कर लो। कहते राधा कुंड की इतने महिमा राधा कुंड की, उसका एक बूंद को साथ में भी ये विश्व ब्रह्मांड का कोई तीर्थ को बराबर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए सबके सब यहीं पर उन्होंने निवास की, सबके सब हृदय से प्रार्थना किया है, इसलिए ये स्थली अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थली है, श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड है। इसलिए महाप्रभु अभी हम जाएंगे वो कोड़े में बैठ करके, महाप्रभु वहीं पर बैठ करके राधा कुंड श्याम कुंड माने राधा कृष्ण को मानो सामने रख करके जैसे यहाँ भजन करते हैं, महाप्रभु उधर बैठ करके हरिनाम करते थे, भजन करते थे। और यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहीं पर बैठ करके श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को उन्होंने यहीं पर लिखे। यहीं पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक ग्रंथ है जिसका नाम विलाप कुसुमांजलि, क्या नाम है विलाप कुसुमांजलि, मतलब क्या है, जैसे हम ठाकुर जी की चरण में एक एक फूल अर्पण करते हैं ना, ठाकुर जी की चरण में पुष्प अर्पण करते हैं, कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने एक एक श्लोक को
एक-एक फूल रूप में राधा रानी के चरण में अर्पण करते थे एक एक श्लोकों को। वो ग्रंथ बड़ा दिव्य ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ ग्रंथ की। इसलिए ये जो लीला स्थली है, श्री जीव गोस्वामी का स्थान भी इधर है, श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास इनका भी स्थान है, सब वैष्णव जितने हमारे गौड़ीय वैष्णव थे सबके सब यहीं पर बैठे और यहीं पर बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 भजन किए। इसलिए हम लोग कार्तिक महीना में हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हम सबके सब गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आ गए मतलब पृथ्वी में सारे तीर्थ में चले गए। कल तो बद्रीनाथ गए थे, पृथ्वी का सारे तीर्थ है, लेकिन उससे भी करोड़ों गुण श्रेष्ठ हैं ये राधा कुंड और श्री श्याम कुंड। बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। बोले श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी की जय। बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभुत्रय की जय। बोले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। बोले श्री जीव गोस्वामी की जय। कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। और बड़ौदा से आने वाले सब भक्त वृंद की जय। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। और प्रेमानंद हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कुछ बोल सकते हो? कुछ नहीं बात क्या बात बोलो। हरे कृष्ण। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरनुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथमें अपने गुरु पाद पद्मा ओम विष्णु पाद अस्तु उत्तर सर्वभक्ति विधान श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि नरवर प्रणाम कर उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुदेव ओम विष्णु पाद अस्तु उत्तर सर्वभक्ति विधान श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि नरवर पाद उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में अनंत कोटि नरवर प्रणाम उपस्थित वैष्णव वैष्णव कथा के पास श्रोत मंदिर के सभी के चरणों में यथावि नरवर प्रणाम स्वीकार। अभी हम उद्धव कुंड से होके आ रहे हैं और वहाँ हमने वहाँ की महिमा सुनी। आवाज आ रहा है? नहीं नहीं ऐसे आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। अभी हम वहाँ उद्धव कुंड से होके आ रहे हैं, वहाँ हमने वहाँ की महिमा सुनी। उद्धव कुंड उद्धव जी का महिमा स्वयं भगवान जी गाते हुए क्या कह रहे हैं? न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न तो शंकर सना न श्री नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव जी के बारे में कह रहे हैं न तथा में प्रियतम। भगवान से पूछा कि आपका सबसे प्रिय कौन है? तो क्या ब्रह्मा जी है? ब्रह्मा जी कौन है? स्वयं भगवान के नाभि कमल से निकले उनके साक्षात अपना श्वेत पुत्र है उनका। उन्हीं के ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की, तो समस्त प्रिय कौन है? ब्रह्मा जी। कहते हैं ब्रह्मा जी सबसे प्रिय है आपके? बोले ना, तो फिर कौन है? न सब प्रियतमा आत्मयूनिट ब्रह्मा, मेरा उतना प्रिय नहीं है। वो है प्रिय लेकिन उतना प्रिय नहीं है। तो फिर कौन प्रिय है? शंकर। भगवान शंकर कौन है? जब ब्रह्मा जी जब कोई जीव 100 जन्मों तक चातुर्वर्ण जो हमारा चातुर्वर्ण है उसको बढ़िया से पालन करके जो नियम वैदिक नियम से पालन करके जो बनता है वो ब्रह्मा का पद प्राप्त करने का योग्य बनता है। और ऐसे ऐसे 100 जन्म जब ब्रह्मा जी बनते हैं तब शिव बनने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। तो शिव तो भगवान ब्रह्मा से कई कोटि गुना ऊंचा हो। तो क्या भगवान शिव आपके प्रियतम है? कह रहे हाँ प्रिय है लेकिन उतने प्रिय नहीं है। तो फिर इनसे प्रिय कौन है? कह रहे शंकरसन। शंकरसन कौन है? भगवान के साक्षात अग्रज शेष उनके बलदाव भैया। तो क्या भगवान शेष जो शंकर है आपके वो प्रिय है? कहते शंकर भगवान शंकर से तो प्रिय है लेकिन उतने प्रिय नहीं है। तो फिर इनसे प्रिय कौन है आपके? कहते इनसे भी प्रिय है कौन? श्री। श्री मतलब अर्धांगिनी लक्ष्मी। तो सबसे प्रिय फिर आपकी लक्ष्मी हुई। कहते ये तो प्रिय है लेकिन इससे भी उससे भी ज्यादा प्रिय फिर कौन है? फिर मेरा अपना कृष्ण रूप।
कहता है कि ब्रह्मा से भी प्रिय कौन? शंकर। उससे भी प्रिय कौन? शंकर सना। उससे भी प्रिय कौन? श्री। अपना पत्नी से ज्यादा प्रिय किसको अच्छा लगता है? उससे भी ज्यादा उनका क्या है रूप, जिस रूप ने समस्त विश्व को मोहित कर दिया। तो भगवान कहते हैं मेरा इस रूप से भी ज्यादा मुझे कौन प्रिय है? उद्धव जी आप हो। चाहे यथा भगवान, भगवान मतलब आप हो। तो उद्धव जी का महिमा गाते हुए भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से उनकी महिमा करते हुए कहते हैं। और उद्धव जी, अभी हमने महाराज जी का मुखारविंद सुना है कि उद्धव जी किसका महिमा गा रहे हैं? गोपियों का। वो कह रहे हैं कि काश मेरा ऐसा भाग्य हो कि गोपी यो के जो रज है, जो चरण धूलि है, मेरे मस्तक पे आए। तो हे भगवान मुझे क्या बना दीजिए आप? वृंदावन के घास बना दीजिए, गुलमता बना दीजिए, जो कि वो चले तो उनका जो पाद रेणु है वो मेरे मस्तक पे आए और मेरा जन्म जो है सफल हो जाए। क्या पता उनका किसी, उनका जो प्रेम है उसका एक कुंटी भी मेरे अंदर आ पाए तो मैं अपना जीवन को धन्य मान। और समस्त गोपियों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? गोपी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का जो मान है, महत्व है, इतना बड़ा है जिसका गायन नहीं किया जा सकता। और वही श्रीमती राधा रानी का क्या है? यह कुंड हुआ। अब इस कुंड का महिमा कहते हुए हमारे वैष्णवगण कहते हैं, हमारे गुरु महाराज का जो हमने मुखार से सुना है, कहते हैं समस्त विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है भारत भूमि। भारत भूमि से श्रेष्ठ कोई नहीं है। स्वयं देवता भी स्वर्ग से भारत में जन्म लेने के लिए अपना भाग्य मानते हैं कि देखिए भारतवासी का कितना जन्म, इनका कितना सौभाग्य है कि ये भारत भूमि में जन्म लिया है। कि जन्म से ही यहाँ पे भगवान का रूप का गुण का मतलब भारतवासी किसी को राम कृष्ण सब जानते हैं यहाँ कौन है। विदेशियों को कहो तो वो सब उसको समझाना पड़ता है कि हम बचपन से ही जानते हैं, उनका गुण गाते बचपन से ही। तो भारत भूमि सबसे श्रेष्ठ है समस्त भूमंडल में। उससे श्रेष्ठ कौन है भारत भूमि में? सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? कहते हैं द्वारकापुर। क्यों? क्योंकि द्वारकापुर में भगवान सबसे अपना जीवन काल का सबसे ज्यादा समय वहीं व्यतीत किए हैं। लेकिन द्वारकापुर से भी कोई श्रेष्ठ है? बोले हाँ। बोले कहाँ है? कहले मधुमन, मथुरा। मथुरा में साक्षात हरि निवास करते हैं। मथुरा यत्र सन्निहितो हरि, या हमेशा नित्य हरि यहाँ विराजमान होते हैं। जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए तो नारद जी ने कहाँ भेजा? मथुरा भेजा, मधुवन। यहाँ पे आके फिर ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। हमारे परम गुरुदेव परम पूज्यपाद श्री नारायण जी को सही महाराज जी ने कहाँ अपना साधना की? मथुरा में। तो मथुरा बहुत श्रेष्ठ है। क्या तो मथुरा से भी कोई श्रेष्ठ है? बोला हाँ। बोलका ये ब्रजभूमि, और इस ब्रजभूमि में सबसे श्रेष्ठ कौन सा जगह है? कहते ये गोवर्धन। ये गोवर्धन जो शिला है ये वास्तव में शिला नहीं है, ये है क्या? हरिदास वर्ण है। हम जाते हैं ना हरिदास ठाकुर, हरिदास जी वहाँ पे है। तो ये साक्षात भगवान ही गिरिराज के रूप में हम पूजन करते हैं, वही भगवान ही शिला रूप में यहाँ पे समस्त चारों तरफ में फैले हुए। क्यों? कुंज बनाया। अगर कुंज ना बनता तो ठाकुर जी लीला कहाँ करते? अगर ये पाषाण ना होते तो ठाकुर जी को भी लीला करने में संकोच होते, इसीलिए ये पाषाण बने। किंतु फिर भी आपने आपको रख नहीं पाए, टिका नहीं पाए पाषाण, ये भी पिघलने लगे ठाकुर जी के लीलाओं को देखे। इसीलिए देखिएगा और पहाड़ों के तरह हमारा जो गिरिराज है, गिरिराज पर्वत है, वो और पहाड़ों का एकदम भिन्न है। इनका पत्थर टूटा हुआ है एकदम, ऐसा लगता क्रैक्ट हो गया है। ये सब ठाकुर जी का प्रेम उस वक्त जो उन्होंने लीला देखा था और वही कल्पना करते करते अभी भी है उनको लीला स्फुरित होते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या होता है और क्रैक होते जा रहा है। और इस गोवर्धन में भी सबसे ज्यादा पवित्र जगह अगर है तो वो कौन सा है? श्री श्याम कुंड और राधा कुंड। और राधा कुंड और श्याम कुंड में भी अगर तुलना किया जाए इसमें भी कौन सा है? ये मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्याम कुंड से भी जितना मुझे श्याम कुंड प्यारा है उससे कई कोटि गुना ज्यादा मेरा श्री राधा कुंड प्यारा है। तो इतना ज्यादा प्रियतमा है, मतलब राधा जी और राधा कुंड में कोई भेद नहीं, अभिन्न वस्तु है, ऐसे हमारे वैष्णव गुरु महाराज वगैरह कहा करते हैं। अब इनका प्राकट्य कैसे? देखिए सिद्धांतिक रूप से अगर कहा जाए तो राधा कुंड के बारे में कह पाना संभव पर नहीं है, शब्द नहीं है, क्योंकि हम लौकिक रूप से कहेंगे और वह चिन्मय वस्तु है, हम कहाँ से सामंजस्य कर पाएंगे। फिर भी इसका प्रकट प्राकट्य के बारे में जैसे अभी बताया उसी के बारे में थोड़ा सा कहता हूँ कि ऐसे ब्रजभूमि में कई तरह असुर आए। असुर आए तभी तो भगवान आए, अगर असुर ना होते कई तरह असुर आए। उसमें एक आया था अरिष्ट असुर,
वो माया अपना स्वेच्छा से रूप धारण कर सकता था। अब यहाँ पे ग्वाले रहते हैं, ग्वाल ग्वाल, और जो बैल है ये सांड है, एक सांड है, वो सांड क्या है, गौ माता है, तो सांड क्या है, बाबा। और ऐसे भी नन्ही का स्वरूप मात्र है, तो ऐसे भी कूदा जा रहा है, और ऐसे बाबा के रूप में सब बैल को पूछते ही है ये सांड को। और सांड देखिए, अगर शांत हो तो ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वो अशांत हो तो कोई चुप नहीं रहेगा, हाहाकार मच जाता है, इतना सामर्थ्य होता है सांड के पास। तो अब वो एक तो असुर ऊपर से सांड का रूप धारण करके ब्रज में, अब ऐसे अब चाह के भी कोई प्रतिरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये गौवंश के है वो, लेकिन बड़ा सामर्थ्य, बड़ा पराक्रम था उसमें, समस्त ब्रजभूमि में आया और बहुत उत्पाद मचाने लगा। तो भगवान कृष्ण को उस पता चला, वो आए और उस अरिष्टन युद्ध से भीषण युद्ध हुआ, अंत में उनका सिंह पकड़ कर उसने जो पटका वहीं पे उसका राम नाम सत्य हो। अब उसके बाद क्या हुआ कि वरिष्ठासुर मरा, और मरते वक्त वो गाय, मतलब वो बैल का ही सांड गाय रूप में था, और सांड के रूप में उसने अपनी गति प्राप्त की भगवान के चरणों में। लेकिन सूर वाक काम तो किया, लेकिन देखिए जब दोस्तों के बीच में आते हैं ना, तो आपका किया हुआ काम को हमेशा काटा जाता है।